Bro, welcome to the session. I'm Rashida Sir Seva. You're on the chemistry master teacher. I hope सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा. So, guys, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हर किसी के. एज अ स्टूडेंट दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग इन वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि हमारे पास कभी कभार काफी कम टाइम रहता है. अब आप क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लोग का टाइम टेबल कैसा आएगा नो वन नोज. प्री बोर्ड का टाइम टेबल कैसा बना है नो वन नोज. सो अगर आप लोगों को बड़े लेंथी सब्जेक्ट्स के लिए एक एक दिन या दो दो दिन मिलता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज कर सकते हैं अफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और लास्ट तक एटलीस्ट आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ जी, हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है ऑफ सो एंड सो सब्जेक्ट. अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. सो हाउ टू रिवाइज जस्ट वन डे बिफोर एनी एग्जाम. अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, आई डोंट थिंक सो एनी स्टूडेंट विल गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल. सो यू शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट बाई दी एंड ऑफ योर रिविजन. यही आप लोगों का मोटिव होना चाहिए. सो गाइज, लेट्स गेट आवर सेल्फ स्टार्टेड. एक्शन इज द फाउंडेशन की इन ऑल सक्सेस. इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है, अपनी टीचर्स की बात सुनो एंड अप्लाई इट. सिर्फ सुन के ही नहीं खत्म करना है, यू हैव टू लाइक डू सर्टन एक्शंस टुवर्ड्स इट. यू हैव टू फॉलो दोज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी प्रोवाइड यू गाइज. चलिए, नंबर वन, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स. अगर आप लोगों के पास कम समय है और आपको बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना है, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज टॉपिक. आप टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो, बेस्ड अपॉन कि आपके एग्जाम में क्या चीज ऐसी है जो कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है. जैसे कि कोई की कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, मेन आइडियाज है, कीवर्ड्स है. सो यू शुड फोकस ऑन दोस थिंग्स. सेकेंडली, आप लोगों को फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए ऐसे टॉपिक्स को जिसपे आपको डिफिकल्टी होती हो या आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. तो प्लीज आप ऐसे टॉपिक्स को ढा के थोड़ा सा रिवाइज करो और थोड़ा टाइम दो उनको. सो आइडेंटिफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच लाइकली टू बी कवर्ड बिफोर योर एग्जाम. रिव्यू नोट्स एंड समरीज. बट ओके, बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ. अगर आपको कोई भी अपना टफ टॉपिक उठाना है और यू वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू अ टॉपिक जिसमें आप लेस कॉन्फिडेंट है, प्लीज पिक इट अप इन द मॉर्निंग. अपने हार्ड टॉपिक्स को रात तक बिल्कुल अटका के मत रखना. दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, क्योंकि रात तक आते आते आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होना चाहिए. अगर आप लोग हार्ड टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स को रात में जाके उठाओगे जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, देन दैट वुड बी अ बिगेस्ट मिस्टेक यू विल डू बिफोर योर एग्जाम. Trust me guys on this. आप चाहे तो, अगर आपके साथ ऐसा पहले हुआ है तो आप relate कर पाएंगे इस चीज के साथ. So that's just one tip from my side. All right guys, moving on to our next point, review notes and summarize. So अगर आप लोगों के पास again time बहुत कम है, you have to pick up a notebook rather than कि आप अपना NCERT चाट रहे हो. भाई उतना time नहीं होता है कि आप NCERT के एक एक पन्ने को पलट सको, read कर सको. तो आपको बस अपने notes जो बनाए हुए हैं, flash cards बनाए हुए हैं, mind map बनाए हुए हैं, इनफैक्ट आप एनसीईआरटी के अंदर जो समरीज होती है, चैप्टर खत्म होते समरी आती है, लेट समराइज करके टेबल दिया होता है, तो आप उसको पढ़ो एग्जाम में जाने से पहले. सो दैट वुड गोइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर चैप्टर और आपको एक क्लोजर मिलता है. एंड डू पे अटेंशन ऑन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड की पॉइंट्स. अगर आपने पूरा एनसीईआरटी के अंदर कहीं की पॉइंट्स को मार्क करा है तो आप उनको नजर में रखो, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को रखो, जिससे कि आपके दिमाग में कंटेंट रिफ्रेश होता जाए. नेक्स्ट पॉइंट दैट यू कैन रिमेम्बर एंड विच वर्क्स फॉर मी, विच वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, यू कैन टीच योर सेल्फ इन द सेम मैनर कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है. तो जब आप अपना ही कोई भी कॉन्सेप्ट अपने आप को पढ़ाते हैं, सो आपको कई सारी चीजें दिमाग में आती है. यू एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कई बार ना कुछ चीजें क्लिक हो जाती है कि यार अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं या ऐसे फ्रेम करूं तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. सो रीइंफोर्स दिस मेथड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन हाईलाइट एरियाज इन विच यू आर वेरी लेस कॉन्फिडेंट. तो आप जब बोल बोल के अपने आप को पढ़ाओगे किसी टॉपिक को, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्टअप होता है. एंड यू फील लाइक कि हाँ यार, मैंने अपने आप को समझा लिया, आई हैव कवर्ड दिस पार्ट.
फोकस ऑन वीक एरियाज अगेन, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अगर कोई ऐसा टफ टॉपिक है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या आपका कोई ऐसा वीक एरिया है वे यू फील वेरी और यू स्ट्रगल विद समथिंग लाइक दिस, तो आप इसको मॉर्निंग में उठाएंगे, नॉट इन आफ्टरनून, नॉट इन इवनिंग। वो टाइम सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए होता है, बट पिक हार्ड टॉपिक्स और वीक एरियाज ओनली इन द मॉर्निंग। तो बट स्पेंड मोर टाइम विद दोस टॉपिक्स विच इज लिटिल बिट चैलेंजिंग एंड इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स क्रूशियल टू शोर अप एनी वीकनेस टू इंश्योर वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग। विजुअल एड्स एंड डायग्राम, स्पेसिफिकली इट कम्स टू बायोलॉजी, आप लोग के बायो में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, तो कोशिश करो कि आप उनको एक जगह कॉपी में नोट डाउन करके रखो एंड ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स एंड गो थ्रू इट। तो आपका विजुअली अगर आप उनको देख कर जाते हो, सो यू यू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड स्पेसिफिकली जो उनकी लेबलिंग होती है। सेम गोज विद केमिस्ट्री के अंदर आप लोग का क्लोर एल्कली प्रोसेस है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आता है। सो देर आर सम डायग्राम्स हियर, बट जितने भी हैं आप उन पे नजर बिल्कुल रखेंगे, एंड स्पेसिफिकली ऑन द कॉन्सेप्ट जो आपको उसमें ध्यान रखने हैं, लेबलिंग जो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा मत सोचना कि केमिस्ट्री में डायग्राम्स बनाने को कोई नहीं बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे डू गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस अलोंग विद द डायग्राम, राइट? तो ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करना पावर ऑफ केमिस्ट्री। सो इफ एप्लीकेबल यूज विजुअल एड्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, एंड विजुअल लर्निंग ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है रादर देन जस्ट क्रैमिंग अप एंड रीडिंग इट। सो विजुअली आप सब चीजें जल्दी याद कर पाते हो, लंबे समय तक याद रहती है। सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू ऑल, एंड प्लीज अपने डे को, अगर एक दिन एग्जाम से पहले आप अपने दिन को डिवाइड कर लो कि मुझे मॉर्निंग में खत्म करना है, आफ्टरनून में आई हैव टू डू दिस, और नाइट टाइम तक आते आते बहुत सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तक आपको पहुंच जाना है, एंड बिफोर यू स्लीप जस्ट रिवाइज समरी वापस से एक बारी रीड मारो एंड टेक अ नाइस टाइट स्लीप, ठीक है? एग्जाम में जाने से पहले एक अच्छी नींद बहुत बहुत जरूरी है, बड़े लोग जो कहते रहे उसको हमें सुन लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक द सेशन देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे चलते चलते विद सम अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैव अ सेफ दिवाली टू यू, टू योर फैमिली। बस साथ साथ में रिविजन करना मत छोड़ना, एंड डू एंजॉय, यही टाइम है जब आप लोग फ्रेश फील कर सकते हैं। दैट्स काइंड ऑफ अ रिफ्रेशमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो या, एंजॉय, बाय।